हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास किचन। आज हम बनाएंगे टमाटर का पकौड़ा। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बेसन। यहाँ हम 2 कप बेसन ले रहे हैं, ये अच्छा बाइंडिंग एजेंट होता है पकौड़े के लिए। फिर लेंगे हल्दी पाउडर, फिर लेंगे चिल्ली पाउडर, ये तीखा वाला चिल्ली लिया है हमने यहाँ पे, और ये लेंगे गरम मसाला पाउडर। अब हम लेंगे हल्का सा पिंक सॉल्ट स्वाद अनुसार, और फिर हम डालेंगे अजवाइन और मिलाएंगे पानी। पानी मिलाएंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। अच्छे से मिक्स करके मिला लेंगे हम, अपना बैटर तैयार कर लेंगे पकौड़े के लिए। ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, मीडियम। इसमें हल्का हल्का पानी मिला के हम इसका बैटर अच्छे से बना लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसको मिलाते रहेंगे। और ये हमारे हस्बैंड का फेवरेट है टमाटर का पकौड़ा, तो हम उनके लिए बनाते। हल्का सा और पानी मिला के यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा गाढ़ा हो गया था इसलिए हमने और पानी मिला लिया है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। इसको मिक्स करके अब हम साइड में रख लेंगे, और फिर हम सेट होने के लिए 5 मिनट रख देंगे। फिर हम लेंगे अब टमाटर, और टमाटर को आप कोई भी शेप में काट सकते हो। मैंने यहाँ सर्कुलर शेप में काट लिया है, ऐसे ऐसे पूरा टेस्ट इसका एनहेंस होगा बेसन लग के जब पकौड़ा तैयार हो जाएगा। इसको भी हम कट करके साइड में रख लेंगे सारे टमाटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा मोटा या पतला नहीं किया, इसको मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। 2 से 3 टमाटर लिए थे मैंने यहाँ पे, 2-3 लोगों का खाने के लिए काफ़ी है। और यहाँ अच्छे से मैंने कट करके सारे टमाटर साइड में रख लिए। अब हम लेंगे टमाटर, रख लेंगे और एक एक करके इसको बैटर में डुबो के अच्छे से डिप करके निकाल लेंगे। अब लेंगे कढ़ाई, इसमें गरम गरम कढ़ाई में गरम करेंगे तेल। और यहाँ हमने टमाटर छोड़ दिया था थोड़ी देर सेट होने के लिए, और एक एक करके हम गरम गरम तेल में डाल लेंगे अपना टमाटर जो हमने डिप किया था बेसन के बैटर में। एक एक करके हमने सारे रख लिए हैं इसमें, और इसको गोल्डन होने तक धीमी आंच पे पकाएंगे। और जब ये एक तरफ से पक जाएगा तो इसको पलट के दूसरी तरफ से भी पका लेंगे, दोनों तरफ से गोल्डन कर लेंगे, हल्का क्रिस्पी रखेंगे, और तैयार हो जाएगा हमारा टमाटर का पकौड़ा। इसको आप दाल राइस के साथ खा सकते हैं, इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, और बहुत ही इजी रेसिपी है बनाने के लिए। ज़रूर ट्राई करें घर पे, कमेंट में बताएं आपने ट्राई किया, कैसा लगा आपको ये रेसिपी। और स्टे ट्यून टू पूर्णिमास किचन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।